है एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी। यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी से पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है कि 5 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी ग्रुप से जो है कि 2 आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक से आपको 2 सिलेक्ट ही करना है, लेकिन आपको 5 यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर देना है। तो एक ग्रुप से आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और बी 2 ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ग्रुप यहाँ पे ए देख पा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 यानी कि 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में आपको दिख रहा है। तो 5 जो यहाँ पे क्वेश्चन है, 5 में से 2 या 3 आप लोग बना सकते हैं। यदि आपने ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो है कि आपको जो है कि ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से जो है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। ये जो है कि आपका जनरल स्टडी का यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि पार्ट थर्ड में सभी किसी भी अपने कोई भी अनर्स कर रहा है, कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट से या साइंस से, तो आपको जो है कि जनरल स्टडीज का यहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्ट्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्या है कि जनरल स्टडीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2020 में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 1 में क्या है कि ये जो है कि आपका टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 20 अंक है, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक में भी यहाँ पे 5 है तो 5×4 कर दीजिए, यानी कि 4 मार्क्स का यहाँ पे एक क ख ग घ जितने भी हैं यहाँ पे 4 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो है कि 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपका पासिंग मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य होता है। हालांकि आपका फाइनल में इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, लेकिन आपको पास करना इसमें अनिवार्य है, तो इसलिए आप लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे, जो कि लेखक के नाम से हैं। आपको लेखक के नाम बताने हैं कि कौन से किस बुक के कौन से लेखक हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क में एक के क में विंग्स ऑफ फायर, कल्पना चावला ए लाइफ, ग में यहाँ पे माई ट्रूट, घ में यहाँ पे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और अंग में यहाँ पे देख पा रहे हैं अर्थशास्त्र। तो इन सभी का यहाँ पे सिर्फ नाम आपको लिखना होगा, और इसी का जो है कि आपको 20 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। 5 यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया गया है, आपको 5ों का नाम लिखना है, जो कि एक एक का यदि यहाँ पे नाम लिख देंगे तो 4 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे आपको टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे राइटिंग पे कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि आपको सिंपल यहाँ पे नाम लिखना है। तो यदि आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं बुक से, क्वेश्चन बैंक से, तो आपको 20 नंबर यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। ओके, हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे यहाँ पे, निम्नलिखित तिथियों के कैसे महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको यहाँ पे 1857 में क्या हुआ था, कौन सी क्रांति हुई थी, 1942 में क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, 1971 में और 1919 में क्या हुआ था। तो इस तरह से सभी इम्पोर्टेंट कैसे महत्वपूर्ण है, आखिर इस तिथि को क्या हुआ था, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको लिखना है, जो कि ये भी आपको टोटल 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 नंबर में क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, जो कि टोटल जो है कि ये भी आपका 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की चर्चा करें। तो इसके ऊपर भी आपको डिस्कस करनी है, तो ये भी आपका 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स का है। लेकिन इसमें शर्त है कि ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन और एक किसी में से आप बना सकते हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षेप में लिखिए। ओके, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, लेकिन आपको 4 निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षेप में लिखिए। तो आपको 4 पर संक्षेप में लिखना है, कोई एक को यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, तो इस तरह से जो है कि मैंने यहाँ पे टोटल ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। आपको ये नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ए से आपको 5ों क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और ग्रुप बी से आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। सभी ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन टच करना है। ओके,
तो आप लोग ग्रुप बी में आप लोग आकर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ग्रुप बी में, भूमंडलीय उष्मीकरण से आप क्या समझते हैं, न्यूटन के गति के नियमों को लिखें। 8 नंबर में है क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण के कारणों का व्याख्या करें। 9th में है भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और 10th नंबर में आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको करनी है, जो कि देख पा रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, अच्छे एवं बुरे जीवाणु, डी में आपका सांस्कृतिक विकास। इस तरह से जो है कि आपका ये 4 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपका यहाँ पे 2 पे ही आपका यहाँ पे कमेंट करना है, यानी कि 2 ही आपको यहाँ पे बनानी है। इस तरह से जो है कि टोटल 10 क्वेश्चन है, जो कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनाना है। आप लोग देख पा रहे हैं आंसर, यानी 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप, सभी ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर बनानी है, और जो कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस तरह से जो है कि आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रुप सॉरी जनरल स्टडीज का यहाँ पे पूर्ण आपका तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से हर साल जो है कि प्रश्न आते हैं, जो कि आपको पास मार्क इसमें अनिवार्य है, पास नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रमोट या क्रॉस, फिर अगले नेक्स्ट 1 साल आपका बैक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जनरल स्टडीज को भी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी कमेंट हो, क्वेरी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ओके।